हेलो एवरीवन। सो टुडे विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग है। दैट इज मार्केटिंग मिक्स। और भी इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा ये वीडियो, जो कि मैं आपको बहुत ही जल्दी से क्विक रिवीजन देने वाली हूँ मार्केटिंग मिक्स का। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो मार्केटिंग मिक्स क्या है? हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट तो देख लिया, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है बिजनेस में तो ये मार्केटिंग मिक्स आपको करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज इट हेल्प्स इन अटेनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए फर्म। आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये आपकी हेल्प करेगा। दैट इज फोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन मार्केटिंग मिक्स। क्या है वो? फोर, दैट इज फोर पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चार ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी फर्म। सो विल रीड इट वन बाय वन। सबसे पहले आपका है, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और सर्विस व्हिच कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर। इट इज द बेस फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड नंबर ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट मिक्स। ये जो हमने पहले ही देखा कि आपको प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाना है, आपको कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? सिर्फ आपको प्रोडक्ट नहीं, आपको उसकी लेबलिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग भी अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपका जाके प्रोडक्ट क्या होगा, सेल होगा, डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग हमें सबको पता है। ये चैप्टर में आप देखोगे सब चीजें आपको एकदम सिमिलर लगेगी, फैमिलियर लगेगी कि हाँ ये सब चीजें तो हमें पता है, तो वही चीज हम सब चीजें ये पढ़ने वाले हैं। ब्रांडिंग क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि ब्रांड, तो यार मुझे तो ब्रांडेड चीज ही बहुत पसंद है, राइट? ये हम बोलते हैं, स्टूडेंट्स, ब्रांड कॉन्शियस स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे तो वॉच चाहिए रोलेक्स की, मुझे तो टी शर्ट चाहिए बीइंग ह्यूमन के, और जीन्स काई की चाहिए मुझे कीलर की, और शूज मुझे चाहिए बाटा के। होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, होंगे बहुत सारे यहाँ पे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बोले हाँ यार मैम तो सही बोल रही है, मुझे तो ये ब्रांडेड गुड्स ही चाहिए। तो ये सब क्या है कि बहुत लोग क्या होते हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, और उन्हें क्या है, ये ब्रांड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो बाटा के ये शूज चाहिए, तो बाटा में ही जाऊंगी लेने के लिए। तो ये क्या है, ये क्या है कि ब्रांड से लोग जानने लगते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट करो, आइडेंटिफाई उससे हो सकते हैं आपके गुड्स, तो दैट इज ब्रांडिंग। तो इस तरीके से क्या करना है, ब्रांड क्रिएट करना है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोड्यूसर इज टू बी इजीली आइडेंटिफाई विद फ्रॉम दी दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर्स, नो वन कैन एल्स कॉपी इट बाय यूजिंग नेम, लोगो, नंबर, डिजाइन ऑन दी लेबल। उसे बोला जाता है ब्रांडिंग, जो आप सबको पता है। नेक्स्ट इज लेबलिंग। जो हम बोलते हैं कि गुड्स पे क्या होता है, लेबल लिखा, लेबल रहता है जिसपे सब चीजें लिखी रहती है, इंस्ट्रक्शन रहते हैं, हाउ टू यूज रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगी, एक्सपायरी डेट रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हम कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप लो तो प्लीज उसमें देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट है क्या। आप लेके आ गए और ऑलरेडी वो एक्सपायर्ड है तो क्या वो आपके यूज का है? नहीं है। और जिसने आपको सेल किया है आपको उसके अगेंस्ट फाइल करनी चाहिए कंप्लेन, क्योंकि ये गलत चीज है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जो कि एक्सपायर्ड है तो दैट इज इलीगल। और आप खुद देखो कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट 2 मंथ बाद जाने वाली है, तो क्या होता है कभी भी आप जाओगे और ऐसा प्रोडक्ट लेके आओगे घर पे तो मम्मा डांटेगी। जैसे मसाले होते हैं, सांबर मसाला हो गया, पाव भाजी मसाला, ये सब क्या है, हम उस पर देखते हैं कि यार 2 मंथ के बाद एक्सपायर होने वाला है, लेकिन 2 मंथ में तो वो यूज ही नहीं होगा, तो लॉस किसका हुआ? हमारा हुआ। उसको तो सेल करना था, उसने कर दिया, बट क्या 2 मंथ में आपका पाव भाजी मसाला लग जाएगा? क्या आप रोज पाव भाजी खाते हो? नहीं ना, तो कैसे होगा? उसमें आपको मम्मा भी डांटेगी, ये क्या किया तूने, कैसे लेके आ गया, देखा भी नहीं तूने। तो हम एजुकेटेड स्टूडेंट्स है बेटा, हमें ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। और अगर अभी भी कोई लोग, बच्चे, आप लोग ऐसे लेके आ रहे हो तो प्लीज अवेयर हो जाइए, और जाके कभी भी आपको मम्मा बोलती है कुछ लाने के लिए तो प्लीज आप उसमें चेक कीजिए मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरिंग डेट क्या है, और आपके पेरेंट्स को भी ये चीज आप बताइए, ठीक है, कि कभी एक्सपायरी गुड्स नहीं लाते। वैसे तो 90% लोग देख के ही लेके आते हैं, बट फिर भी वी शुड अवेयर दिस, क्लियर? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि हमें देखना चाहिए। दैट इज वेट, साइज, ये सब लेबलिंग में हमें मिलता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी इंग्रेडिएंट्स भी आजकल हम देखने लग गए है ना, हम देखते हैं यार ये तो वीट का है या क्या है, ये हम देखते हैं आजकल, बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, देखते हैं मैदा का तो नहीं है, रिफाइंड फ्लोर तो नहीं है, वीट फ्लोर ही है ना, ये सब चीजें देखी जाती है। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम देखते हैं लेबलिंग के अंदर। पैकेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट,
पैकेजिंग अट्रैक्ट दी कस्टमर्स, आपने किस तरीके से गुड्स को पैक किया है वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। जो जो हम बोलते हैं कि हमें नहीं लेना रहता है, तो भी मैं क्या करती हूँ, पैकिंग देख के वो चीज ले लेती हूँ। सो और एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए भी पैकिंग की जाती है, ऑलवेज नेसेसरी अट्रैक्शन के लिए एंड ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स इजीली। तो ये सब चीजें हमने क्या देखी कि प्रोडक्ट में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस तो हमें पता है और इंपॉर्टेंट है, हमें ज्यादा हाई भी नहीं रखना है और ज्यादा लो भी नहीं रखना है कि मैं मेरा रीजनेबल प्रॉफिट अचीव कर सकूं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस यूनिट, डिमांड फॉर प्रोडक्ट इनवर्सली रिलेटेड टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। पता है हमें प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर हमारी प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस रेफर टू द वैल्यू पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्ट। हर एक कंज्यूमर चाहता है कि उसको हर तरीके का सेटिस्फेक्शन मिले। जब वो अमाउंट देता है, मनी देता है, तो उसके एक्सचेंज में जो उसको प्रोडक्ट मिलता है, वो चाहता है कि उसे उसका पूरा बेनिफिट वो ले सके। तो दैट इज व्हाट, कि उसे पूरी तरीके से ओवरऑल 100% सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब क्या क्या फैक्टर्स है जिससे अफेक्ट होते हैं प्राइस? फर्स्ट वन, प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑब्वियसली जिस तरीके से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस फिक्स करोगे। मैं चाहूंगी ना उतना कॉस्ट तो मेरा रिकवर हो एटलीस्ट, तो उस पर डिपेंड करता है। डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट, मुझे पता है डिमांड बहुत है मेरे प्रोडक्ट की, तो मैं जितना भी प्राइस बढ़ाऊं मेरा प्रोडक्ट की डिमांड तो कम होगी नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस अफेक्ट करती है। देन कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, जो चीज मैं सेल कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, वैसे ही कॉम्पिटिटर 100 बैठे मार्केट में, तो क्या मैं उसके अकॉर्डिंग मुझे रखना पड़ेगा प्राइस? उनकी प्राइस है 500 और मैंने रखा है 700, तो क्या कोई लोग मुझसे लेंगे? नहीं लेंगे, उनके पास ही जाएंगे। तो या तो मुझे उससे लो रखनी पड़ेगी या उसके 500 का 500 मुझे रखना पड़ेगा। उस पर भी डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग फैक्टर। गवर्नमेंट एंड लीगल कंट्रोल्स, कुछ कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इतना ही रेट रखना है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। क्यों होता है? क्योंकि वो नेसेसिटी गुड्स होता है, पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, या हम बोलते हैं कि बहुत सारी नेसेसिटी के ऐसे गुड्स होते हैं जिसका रेट कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। कुछ लीगल कंट्रोल्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका प्राइस फैक्टर डिपेंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना ना, तो उस केस में आप क्या करोगे? मैं चाहूंगी कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्राइस रहे। अक्वायर डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन मतलब मैं बोलूंगी कि यार मुझे यहाँ पे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मैं चाहती हूँ मार्केट मेरे कंट्रोल में हो जाए। तो उस केस में क्या होगी, मैं प्राइस लो रखूंगी कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे फेवर में रहे और लोग मेरे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बन सके। एंड टू सस्टेन कॉम्पिटिशन, आपको अगर कॉम्पिटिशन में सस्टेन करके रहना है तो आपको प्राइस उस तरीके से रखनी पड़ेगी कि कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग आपको प्राइस रखनी रहेगी। इकोनॉमिक कंडीशंस, अब इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, मार्केट में कंडीशंस क्या चल रही है। लोगों के पास बहुत पैसा है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस हाई रख सकते हो, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लो रखना पड़ेगा। एंड बाइंग बिहेवियर, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बाइंग बिहेवियर कि कस्टमर्स की डिमांड क्या है। कस्टमर्स की हम बोलते हैं हर दिन चेंज होती रहती है, फैशन के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका डिपेंड करता है प्राइस। कुछ कुछ टाइम में उनका चेंज होता है फैशन, कुछ कुछ टाइम में ट्रेंडिंग चेंज होता है, कुछ कुछ टाइम उनका मूड चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिमांड डिमांड पे उसका फर्क पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस भी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। सो ऑल फॉर आर दिस ऑल आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है आपके प्राइस को। क्लियर? देन नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि मुझे अगर ये मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मुझे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखना है, सिंगल रखना है, इनडायरेक्ट रखना है, कैसा रखना है मुझे कि मैं कस्टमर्स तक ये गुड्स को पहुंचा सकूं इजिली जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इट रेफर टू एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड इन वॉट एवर क्वांटिटी इट इज रिक्वायर्ड। जब उन लोगों को चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कब चाहिए और कहाँ चाहिए, उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। जब कंज्यूमर्स को रिक्वायर्ड है मैं उन तक ये गुड्स पहुंचा सकूं, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ये चीज हमारी समझ में? इट्स कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल मीन्स प्रोड्यूसर डायरेक्टली किसको सेल कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर, यहाँ कोई मिडिलमैन नहीं रहेगा। अब ये कौन से केस में होता है? जब हम बोलते हैं कंज्यूमर्स जो है वो फ्यू है, फ्यू कंज्यूमर्स जब रहेंगे तो उस केस में डायरेक्ट चेन प्रिफर हो जाएगा। जैसे ये कब होता है, ये सारे केसेस कब होते हैं? जब हम बोलते हैं कि हाई टेक्नोलॉजिकल, हम बोलते हैं मशीन्स है। अगर मशीनरीज के केसेस होते तो ऑलरेडी हम बोलते हैं अगर मशीन सेल करना है ऑलरेडी ह्यूज कॉस्ट है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर मिडिलमैन और आ जाएंगे तो प्राइस और इंक्रीज हो जाएगी,
वो केस भी हो सकता है। एंड सेकेंडरी हम बोल सकते हैं कि इसके जो कंज्यूमर्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उस केस के अंदर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच जाएंगे, दैट इज डायरेक्ट सेल्स। इनडायरेक्ट सेल में कुछ मीडिएटर्स आएंगे बीच में। क्या क्या मीडिएटर्स हैं, कौन कौन से आएंगे, किस केस में आएंगे, वो हम देखते हैं। सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो होना ही है, बीच में कौन आ गया, रिटेलर आ गया। अब ये रिटेलर किस केस में आएगा, व्हेन वी से कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए या चेन स्टोर्स हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो वास्ट कस्टमर्स उसके अंदर रहेंगे, डिमांड बहुत ज्यादा है वैसे कस्टमर्स की, वो प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, तो उस केस में डायरेक्टली प्रोड्यूसर सब कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचा सकता, तो उस केस में उसे रिटेलर रखना होगा। तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे सिंगल लेवल उसने एक रिटेलर मिडिलमैन रख लिया। नेक्स्ट है डबल लेवल, अब इसके अंदर होलसेलर भी आ गया और रिटेलर भी आ गया। इसके अंदर हम बोलेंगे और डिमांड ज्यादा है तो सिर्फ रिटेलर से काम नहीं चलेगा, मुझे क्या रखना पड़ेंगे, होलसेलर्स भी रखने पड़ेंगे। देन होलसेलर के थ्रू मैं रिटेलर्स रख दूंगी एंड देन कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच जाएगा, तो इस तरीके से ये लेवल बढ़ जाएगा। एंड थ्री लेवल के अंदर एक एजेंट और आ गया। अब इस केस में एजेंट क्यों आ गया, जब हम बोलेंगे प्रोड्यूसर को ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, उसको अपने प्रोडक्शन पे ही फोकस करना है, तो वो क्या करेगा, एक एजेंट रख देगा ज्योग्राफिकल हर एक एरियाज में, वो क्या करेगा अपने एजेंट को रख देगा और डिमांड के अकॉर्डिंग, होलसेलर के अकॉर्डिंग को बताएगा डिमांड कितनी है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन, क्योंकि उसे अगर अपनी रिस्क कम करनी है तो उस केस में वो एक एजेंट को रख देगा, देन एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड देन अल्टीमेटली टू कंज्यूमर। तो इस तरीके से ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या है, आप अपने गुड्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सेल कैसे कर सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आई जिससे क्या कर सकते हैं कि कंपनीज बिजनेस अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, डिमांड बढ़ा सकती है। कैसे, हम देखते हैं वो सब कैसे होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ टूल विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सर्विसेज टू कंज्यूमर एंड पर्सुएट देम टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, उन्हें पर्सुएट करेंगे कि हमारे आके गुड्स आप परचेज करो। कैसे होता है, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, ये चार टूल्स दिए गए जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। सो वी विल रीड वन बाय वन। एडवर्टीजमेंट, जो सबको ही पता है कि एडवर्टीजमेंट क्या है, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच एडवर्टाइजर आइडेंटिफाई इज इजिली ट्रेस्ड। एडवर्टाइजिंग कैन बी डन थ्रू टीवी, रेडियो, इंटरनेट एक्सेट्रा। हम पता है सब चीजों का एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट से कितने लोगों को गुड्स का नहीं पता चलता है, वो भी पता चल जाता है किससे, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस आती है, लोगों को उसकी अच्छी चीजें पता चलती है। एडवर्टीजमेंट में तो ऑब्वियसली अच्छी चीजें ही बताएगा, कोई गंदी चीजें तो बताते नहीं, और जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। सो फंक्शंस क्या है, सबसे पहले इट क्रिएट्स डिमांड, हम अट्रैक्ट होते हैं, वाह यार कितना अच्छा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आया है, ये तो मुझे लेना पड़ेगा, होता ही अट्रैक्शन ऐसा, तो उस तरीके से डिमांड क्रिएट होगी। बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन अगर आप ज्यादा करते हो तो कॉस्ट आपका कम होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो जब हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, तो उसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा। प्रोडक्ट अवेयरनेस, अवेयरनेस आएगी हमें प्रोडक्ट की, कैसे यूज करना है, कौन सा नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ये सब चीजें एडवर्टाइजिंग से पता चलती है। हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, तो प्रोडक्शन से हमें वर्कर्स की जरूरत है, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगा। बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितने लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट आया है, जब पता चलता है तो लोग लेते हैं, और जब लोग लेते हैं तो हम बोलते हैं लोगों का स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है। ऐसे हाई फाई प्रोडक्ट्स लोगों को पता नहीं चल रहा है, लग्जरी आइटम्स पता नहीं चल रही है, और जब लोग लेने लगते हैं, क्वालिटी गुड्स लेने लगते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड अपने आप इंक्रीज होने लगता है। मेंटेनेंस ऑफ क्वांटम ऑफ सेल्स, अगर आपको अपनी सेल की कंसिस्टेंसी रखनी है तो कैसे रख सकते हो, एडवर्टाइज करके, लोगों को हमेशा याद दिला के कि हाँ ऐसा हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में, कि लोग कभी भूले नहीं आपका प्रोडक्ट, तो बीच बीच में आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा, रिमेम्बर करवाना पड़ेगा, रिमाइंडर लगवाना पड़ेगा कि हाँ ये तो हमारा ऐसा प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में है, तो आओ आप लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपकी सेल हमेशा कंसिस्टेंसी बनी रहे। क्लियर। देन पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग हम बोलते हैं, कभी हम शॉप पे जाते हैं तो क्या होता है, वो पर्सनली हमें सब चीजें बताता है ना, कि ये बताते हैं कि देखो ये गुड ऐसे स्टार्ट होता है, इसका पूरा वो डेमो बताता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं हमें पता भी नहीं है कि कैसे यूज होते हैं, कुछ कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती है तो हमें नहीं पता, तो जब हम बोलते हैं पर्सनली ऐसे इंटरेक्शन होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं कि यार कितने अच्छे से बता रहे हैं,
होता है, तो वही चीज है पर्सनल सेलिंग से भी आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। सेल्समैन इज दैट पर्सन हु रिप्रेजेंट द बिजनेस यूनिट टू कंज्यूमर एंड हिज जॉब इज टू हाईलाइट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस टू कंज्यूमर एंड क्लियर डाउट। जो भी चीजें हमें डाउटफुल रहती है वो हमारी सब चीजों को डाउट को क्लियर करता है और बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करता है कि ये इस चीज से आपको क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या इसमें अट्रैक्टिवनेस है, क्या क्या इसमें यूजफुलनेस है। द बिजनेस यूनिट क्रिएट अ डेफिनेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद कस्टमर, और एक तरीके से ये क्या होता है, वन टू वन क्या होता है, एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है। अब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या बोलेंगे कि एक अच्छा सेलमैन कब होता है, जब स्मार्ट, इंटरेक्टिव एंड फिजिकली फिट होता है। ये सबके साथ होता है, हम जाते हैं कोई भी शॉपकीपर के पास जाते हैं हम, तो उस केस में हम देखते हैं कि हाँ एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या होता है हमें भी मजा आती है बात करने, राइट right? तो एक स्मार्ट होना, एक फिजिकली फिट होता है तो अपने आप क्या होता है इंट्रेक्शन बढ़ता है और हमें लगता है हाँ यार ये भी इंटरेस्ट से ले रहा है बात करने में, तो हमें भी होता है कि हाँ यार अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गुड्स दिखाने में, वो तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, तो क्या मैं उसे अट्रैक्ट होंगी, नहीं होंगी। तो वही चीज है स्मार्टनेस मैटर, गुड इन कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स उसका अच्छा होना चाहिए। स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग द गुड, कैसे वो प्रोडक्ट बता रहा है इतने अच्छे से, उसका एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए दिखाने का। ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, उसको अगर मैं कुछ भी पूछूं प्रोडक्ट के बारे में तो उसे पता रहना चाहिए, राइट? शुड बी ऑनेस्ट एंड हैव गुड कैरेक्टर, ऐसे नहीं प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोल रहा है जो कि उसमें है ही नहीं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए वो। शुड बी पोलाइट एंड सिंसियर इन हिज वर्क। अब देखो कहीं कहीं हम जाते हैं बहुत सारे शॉपकीपर्स के पास, तो क्या होता है हम लोग जब क्लोथिंग परचेस करने जाते हैं तो हम बहुत सारी ड्रेसेस देखते हैं, तो कभी कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा हम लोग बहुत सारी ड्रेसेस उसे निकलवा लेते हैं लेकिन एक भी पसंद नहीं आती है, तो कभी कभी कोई शॉपकीपर्स क्या होते हैं, मैम आपने इतना सारा तो देख लिया आप एक भी नहीं लेके जा रहे हो, तो ये क्या है, इट्स रूड, क्योंकि उसका तो काम है ना दिखाना। तो ये चीज अगर होगी तो हम क्या करते हैं वापस जाना उस शॉप पे पसंद नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये तो रूड है। तो हमेशा क्या होना चाहिए शॉपकीपर को, सेल्समैन को क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि उनका काम है दिखाना, लेना या ना लेना किसके हाथ में, हमारे हाथ में, हमें अच्छा लगेगा हमें अफोर्डेबल लगेगा तो हम लेंगे, बट वो हम भी ऐसे प्रेशराइज तो नहीं कर सकते आपको लेके ही जाना है, तो वो एक हम बोलते हैं एक बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है कस्टमर्स पे, तो ही शुड नॉट बी रूड। देन इंथुसियास्टिक, डिसिप्लिन, एम्बिशियस, हमें हमेशा ये दिखना चाहिए कि हाँ वो हमेशा एक इंथुसियास्टिक जैसे दिखा रहा है हमें, उसको एक एनर्जी, एक उसे भी एक मजा आ रहा है दिखाने में, तो इस तरीके से हम बोलते हैं जब भी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो हम बोलेंगे इज अ गुड सेल्समैन, क्लियर। देन सेल प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दैट एनकरेज द कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं जब बोलते हैं प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है हमें उसकी डिमांड बढ़ानी है, तो इस तरीके से क्या दिया जाता है कुछ इंसेंटिव की लोग क्या हो अट्रैक्ट हो, कैसे टेक्निक्स दी जाती है, सेल सबको पता है सेल 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 दिखा रहता है बहुत सारे शॉप्स पे मॉल्स में, सेल सेल सेल, हमें नहीं भी लेना रहता हम वहां से जा रहे हैं उस रूट से तो हम रुक जाएंगे यार एक बार तो देख के आते, लेना या नहीं लेना पता नहीं बट एक बार तो मैं देख के आती हूँ यार है क्या कैसी सेल लग गई है, तो वो होता है सेल जिससे लोग कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। डिस्काउंट, फ्लैट 50% डिस्काउंट, जाएंगे देख के तो आएंगे, लेना ही नहीं लेना पता नहीं यार देख के तो मैं आऊंगी, तो ये होता ही है और जाते तो हमें कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, तो ये क्या है अट्रैक्शन हुआ। एडवर्टीजमेंट कूपन्स, जैसे 5000 की शॉपिंग पे 2000 का कूपन फ्री होता है ये सब चीजें, तो इससे क्या होता है कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, यार ऐसे होता है 4000 की शॉपिंग तो मैंने कर ली यार 1000 की और करूंगी 2000 का बेनिफिट है, तो 1000 का भी बेनिफिट वो उसको भी मिल गया कंपनी को भी मिल गया और 2000 का हम और ले लेंगे, तो उस केस के अंदर क्या हो गया ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं जिससे कंपनीज प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट्स को। गिफ्ट, अब गिफ्ट क्या हो गया, जब हम बोलते हैं 400 के साथ 100 फ्री तो ये क्या हो गया गिफ्ट, ये सब होते हैं, तो ये सब चीजें क्या हो गई प्रमोशन के लिए। एडिशनल गिफ्ट, कोलगेट के साथ ब्रश फ्री, तो ये क्या एडिशनल गिफ्ट हो गया कोलगेट के साथ ब्रश दे दी। लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ हम देखते हैं अभी भारत पेट्रोलियम पंप है वो क्या करता है लकी ड्रॉज निकालता है, लकी ड्रॉज में एक्टिवा निकल जाती है कभी कभी, तो वो भी क्या है एक तरीके से प्रमोशन हो गया। फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इस केस में आप देखते हो कि बहुत सारे जैसे लग्जरी गुड्स अगर लेने हैं, टीवी लेनी है, एसी लेनी है या ऐसे कुछ भी हमें लेना रहता है, तो ऐसे लग्जरी गुड्स पे क्या होता है हमें लोन दिया जाता है वो भी फ्री इंटरेस्ट पे, तो ये क्या है कि अगर आपको फ्री इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है तो आप उससे अट्रैक्ट होंगे और आप वो चीज भी ले लोगे, तो वो चीज है कि इससे भी आप अट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग सैंपल्स, कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट में अब कैसे लोगों तक पहुंचा है, हम देखते हैं बहुत सारी शॉप्स पे हम कुछ लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम ये आप ट्राई कीजिए अभी नया प्रोडक्ट आया है वो हमें फ्री में दे देते हैं हम भी ले भी लेते हैं, होता है ये सब,
तो ये क्या है, ये चीज भी प्रमोशन के लिए की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो क्या करती है, कॉम्पिटिशन रखती है और जो उसमें विन हो जाता है उसको वो नया प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रमोशन टेक्निक्स निकाली जाती है जिससे कस्टमर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। देन लास्ट इज पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। अब इस केस के अंदर क्या होगा, इससे भी क्या होता है, एक तरीके से हम बोलते हैं कि लोग अट्रैक्ट कैसे होते हैं। पब्लिसिटी एनी फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स सर्विस और आइडिया डन थ्रू पब्लिक मीडिया विच इज फ्री ऑफ चार्ज इज नोन एज पब्लिसिटी। ये सारी टेक्निक्स में आपने देखा, आपने खुद ने कुछ ना कुछ किया है, बट ये अपने आप हो जाती है, होती है। अगर स्कूल में हम देखते थे कोई हमारे, हम ऐसे ही फेमस हो जाते थे कुछ अच्छे काम के लिए और कुछ बुरे काम के लिए, तो क्या होता था, पब्लिसिटी हो जाती थी कि यार ये बंदा तो ऐसा है, या ये बंदी बहुत अच्छी है, होता था ऐसा। तो क्या होता था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लोग ही पब्लिसिटी कर रहे हैं मेरी, अपने आप पब्लिसिटी हो गई, अपने आप मैं तो फेमस हो गई, मैंने अच्छा किया या बुरा किया। तो वही चीज पब्लिसिटी बिजनेस में होता है कि हम बोलते हैं कोई कोई बिजनेस बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है अपने आप, और कोई बुरा करता है तो उस केस में भी आ जाता है। तो मीडिया वाले खुद ही एडवर्टाइज कर देते हैं, हमें पर्सनली जाके नहीं करना है, जो हम देखते हैं न्यूज चैनल्स पे होता है ना। तो उस केस में मुझे यहाँ पे कुछ पे नहीं करना, खुद टेलीविजन, मीडिया ये सब चीजें कर देती है, न्यूज़पेपर्स ये सब चीजें अपने आप डाल देती है, तो इससे हमारी पब्लिसिटी हो जाती है और लोग उस पर रिलाई भी करते हैं। हमने देखा है, मैं कुछ अगर करूंगी तो अगर मैंने खुद ने एडवर्टाइज किया तो उस पर लोग डाउट कर सकते हैं, बट कोई थर्ड पार्टी अगर कर रही है तो उससे रिलाई कर ले। तो वही चीज है कि यहाँ पे मुझे कुछ पे नहीं करना है क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू सब कुछ हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, पब्लिसिटी हो जाएगा। एंड पब्लिक रिलेशन इट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी दैट आर डिजाइन और प्रेजेंट इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स एंड मेंटेन गुड इंप्रेशन ऑफ कंपनी टुवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्वड इन इट। ये भी वही चीज है कि थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन तो भी मैं फेमस हो गई, तो इस केस के अंदर आपका गुड इंप्रेशन बन जाएगा और डिफरेंट पार्टीज के अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो यही चीज थी जो हमने आज देखा, पूरा टॉपिक आज मैंने आपका कवर करा है, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। बहुत ही इजिली मैंने आपको ये करवाया है, होपफुली आपको एक शॉट में ही याद हो जाएगा। ओके सो बाय।